जबरदस्त वो बस अंजवेरिया बस अपनी जगह से उठने लगी थी, वो कह रही थी कि मैं बस स्टार्ट हो जाऊं, लेकिन मैंने कहा नहीं अभी थोड़ा सा अभी बाकी अभी एंड पे करेंगे हम सारे मिलके। परिवार अपनी नजरों से कह रही थी कि अंजवेरिया राम से राम से बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ढोल की थाप कुछ इस तरह की होती है कि ऑटोमेटिकली दिल करता है, और स्पेशली जब हम तैयार शायर हुए होते हैं, शादी पे गए होते हैं, तो माहौल भी सारा उसी तरह का बना होता है, आप हो रहे होते हो थोड़ा सा वार्म अप हो रहे होते। और जब छोटे छोटे बच्चों को भी देख लो कि वो छोटे छोटे बच्चे भी अपने स्टाइल से डांस करने आते हैं, नहीं आता हैं छोटे बच्चे आखिर में मिसेज जिद लगाते हैं कि हाँ भाई हम भंगड़ा करेंगे तुम प्ले करो। अच्छा। अब मैं जब प्ले कर रही होती हूँ वो इतनी तेज मैंने कहा भाई अपने आप को ऐसा करंट लगवाते हैं, मैंने कहा चलो ठीक है यार ये तो आउट ऑफ द वर्ल्ड हो गया। लेकिन कभी कोई ऐसा वाकया पेश आया हो कि तुमने ढोल बजाया हो और उस पे बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई रिएक्शन आया हो? जब भी मुझे ढोल प्ले करते हुए देखते हैं वो सब कहते हैं लड़की और ढोल बजाने वाली ढोल वाली लड़की। शादियों पे जब जाती हो कैसा फील होता है कि वो डिमांड करते हैं कि भाई ढोल यहाँ पे भी? मैंने 100 में से 99% मैंने वेडिंग इवेंट ही किए हैं। अच्छा अपनी फैमिली में? नहीं अपनी फैमिली में नहीं किए अपनी फैमिली में नहीं लेकिन आउट ऑफ फैमिली। अपनी फैमिली में वो ढोलक के पीछे वो ताली बजाने वाली लड़की बड़ी बड़ी होती हो? नहीं अपनी शादी में मैं इतना तैयार शायर भी नहीं होती। अच्छा किसी फैमिली की शादी में बस नॉर्मल बिहेव करती हूँ। तमून अपनी फैमिली की कभी शादी में जाते हो तो क्या डिमांड होती है? कोई कहता है कि भाई यहाँ पे अब गा के सुनाओ? मैं मेरी सिस्टर की शादी थी तो मैं खुद गाया था। अच्छा तो भंगड़ा भी डालते हो? अजीब सा लगता है हिल रहा हूँ मैं मार बहुत ये किसी ने बदतरीफी कर दी थी या तुम डांस करते हो भी अच्छा नहीं लगता? मैं डांस आज तक किया ही नहीं मैंने, ऐसे भी होता है मुझे काफी इंडिया में ऐसे मिले गाने जिस पे बताया गया कि डांस भी करना था लेकिन मैं वहाँ भी परफॉर्म नहीं करता, कुछ फीलिंग्स अलग से है। अलग से है तो जवेरिया कोई ऐसी खुराक भी है जिससे अंदर का वो जो डांस करने वाला इंसान है वो जाग उठे? वो मून को जरूर सजेस्ट करो। असल में खुराक में तो आपको पता है कि अच्छी बुरी खुराक तो मतलब आपके फूड चॉइसेस क्या बात कर रही है ना। वापस बताना शुरू हो गई है जवेरिया ने कह दिया कि आज मून को हमने अंदर का बता दें ताकि इसके कोई इसका हल निकल आए। तो अरिश्मा क्या सोचती हो आगे क्या करना है, ढोल को आगे लेके चलना है या किसी और प्रोफेशन को अपनाना है? अभी ढोल के साथ साथ मैं सिंगिंग भी कर रही हूँ, गाना भी सीख रही हूँ। किससे सीख रही हो? सरिश्ता जाफरी नाउडेज तो मैं उनसे सीख रही हूँ। अभी मैंने जब ढोल भी सीख रही हूँ साथ में अभी प्रोफेशनली प्ले भी कर रही हूँ, मैंने एक चीज़ फील की है जो हमारे प्रोफेशनल सिंगर्स बड़े नाम गाने वाले हैं ना वो नहीं सिखाते, वो अपना फ़न सिर्फ अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं, वो किसी बाहर के बंदे में नहीं करते। तो जितनी हर्डल मुझे हो रही है जो जिस फेज से मैं गुजर रही हूँ ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। लाइक आपको अच्छा उस्ताद मिल जाए ये बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन नहीं ये लोग नहीं सिखाते हैं। क्यों नहीं सिखाते कि यार ये आगे ना निकल जाए, हमारी फैमिली का नाम पीछे। ठीक है हम यहाँ पे एक कॉलर लेते हैं, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं लाहौर से मरियम अब्दुल बात कर रही हूँ। जी लाहौर से मरियम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज क्या पकाया जा रहा है? कुछ खास नहीं, मैं अरिश्मा से क्वेश्चन करना चाहती हूँ। नहीं लेकिन मुझे पहले बताओ कि आज क्या पकाना है, क्योंकि हमारे घर में हमेशा हम सबके घर में एक मसला होता है, रोज हमें ये प्रॉब्लम होती है कि आज क्या पकाएं। तो आज आपने क्या पकाया, शायद हमारे इधर जवेरिया को अरिश्मा को थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। नहीं नहीं अभी तो मैं ड्यूटी पे हूँ, ऑफिस में हूँ और प्रोग्राम देख रही थी तो मैंने कॉल की है, अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं कि घर में क्या पका हुआ है। हाँ जी अरिश्मा से कीजिए सवाल। जी मेरा अरिश्मा से सवाल ये कि आप इतना भारी ढोल कैसे बजा लेती हैं? आई मस्ट से पैशन आपसे कुछ भी करवा देते हैं। हाँ जी पैशन होना चाहिए बस। थैंक यू फॉर कॉलिंग मरियम। बात वही आ जाती है जहाँ पे शौक होता है तो वो कहते हैं शौक दा कोई मूल नहीं है, बिल्कुल सही है। वो इतनी सी लड़की और इतना बड़ा ढोल वो अपने गले में डाल के बजा लेती है, और बल्कि ये काफी देर मैंने इसे देखा है कि ये लटकाया हुआ है ढोल गले में और बजा रही है। शुरू में तो मुश्किल होती होगी? भी लाइक हाँ हाथों में मेरे छाले जरूर बन जाते हैं। लेकिन वैसे ढोल का वजन कितना होता है? इसका है तकरीबन 8 kg है। 8 kg है, इससे बड़े भी होते हैं? इससे जो मेरा पहले वाला ढोल है जिस पे मैं प्रैक्टिस करती हूँ घर में वो 15 kg का है,
उस पर मैं इसलिए प्रैक्टिस करती हूँ, जैसे मैं एक वेडिंग इवेंट पे हूँ, मैं अगर नॉन स्टॉप प्ले कर रही हूँ तो मैं उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर हूँ कि अच्छा यार मैंने इसको काफ़ी देर उठाना है, ये 8 kg है, ये थोड़ा लाइट वेट है, लेकिन ये भी मतलब मैं जब घंटा उठा लूँ तो बाद में बस हो जाती है। तो फरूख आप दिन में कितनी देर प्रैक्टिस करते हैं? मैं मूड पे भी डिपेंड करता है प्रैक्टिस, मैं करता हूँ, जरूरी है प्रैक्टिस से, वो या तो कुछ भी नहीं है, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो इसमें मूड कहाँ आ जाता है, जब शौक भी है, शौक तो प्रोफेशन भी है, गाना मूड की चीज़ है, गाना एक्चुअली जब दिल करे तो आप तभी आपकी रू लगेगी ना, गाएंगे तभी। तो जब बहुत ज़्यादा उदास होते हो उस वक्त मैं गाना सुन लेता, गाना सुनते हो, और जब बहुत ज़्यादा खुश होते हो तब भी गाना सुनता हूँ। तो गाना गाते किस वक्त हो? जब मैं शो पे होता हूँ। अच्छा ठीक है, जवेरिया बात वहीं पर आ जाती है कि रात के टाइम नींद ना आए तो क्या खाना चाहिए? देखियो अभी फरिया मैंने बताया कि एक तो सिनेमम और बनाना हो गया, दूसरा चेरी जूस, चेरीज, पोमग्रेनेट। अच्छा। वो बड़ा बेस्ट है, वो आपको बड़े जो आपके एक्टिव हॉर्मोन्स हुए होते हैं उनको रेगुलेट करता है, मतलब आपके स्लीपिंग हॉर्मोन्स को एक्टिव कर देता है। दूसरा दही का, दूध का जो प्योर मिल्क है और दूध से बनी हुई चीज़ें हैं जैसे चेडर चीज़, मतलब चीज़ ग्रुप है, वो भी आपको हेल्प आउट करता है सोने में, मतलब रिलैक्स करता है। दूसरा बड़ी ओल्ड एंशियंट, और यहाँ पर कई हमारी खवातीन देख रही होंगी, बड़ी बेस्ट रेमेडी है कि हनी, छोटी मक्खी का शहद और काली मिर्च, उसका कहवा पिए तो उससे भी नींद अच्छी आ जाती है। ठीक है, पर फिर बात वही आ जाती है जो आजकल ऐप्स हैं, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि 24/7 सोच लिया है कि जितने भी मोबाइल यूज करने वाले वाईफाई लाजमी है, आपने सारा दिन देखिए एक्टिव रहना है, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, 8 घंटे नींद मस्ट है। आप कभी भी उनको चीज़ों को प्रायर ना करें क्योंकि आपकी हेल्थ इसका मतलब इग्नोर हो रही है, आप नींद नहीं पूरी ले रहे, तो बच्चियों को नींद पूरी नहीं ले रहे हैं, और उसकी अक्सर वजह ये होती है कि रात के टाइम हम मूवीज देखना शुरू कर देते हैं। वैसे अरिश्मा मूवीज देखती हो, शौक है? जब मैं बोर होती हूँ तो मैं मूवीज ही देखती हूँ। सिनेमा जाके या घर में? कभी अच्छी मूवी, अभी लास्ट मैंने फास्ट एंड फ्यूरियस देखी है फैमिली के साथ, सिनेमा में देखी, फर्स्ट शो देखा था। हाय हाय कितने शौक से बता रही, फर्स्ट शो देखा था, पहले बुकिंग करवा चार्म होता है ना, क्योंकि कि वो फ्रेंड्स आ जाती हैं, या शुरू में ये हुआ था, एंड में ये हुआ था, सारा चार्म खत्म हो जाता है, यानी कि भाई स्टोरी पहले नहीं सुननी चाहिए, स्टोरी पहले नहीं सुननी चाहिए। शौक है? हां मैं फिल्म बहुत ज्यादा फिल्में देखता हूं। बहुत ज्यादा फिल्में देखते हो, दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ? फैमिली के साथ भी देखता हूं, अकेले भी देखता हूं। हां ये मैं बिल्कुल सिनेमा में, अभी ये हमारी पाकिस्तानी मूवी आई थी वो मैं देखने गया था लास्ट। पाकिस्तानी कौन सी मूवी? जनान आई थी वो मूवी पाकिस्तानी। अच्छा, तो पाकिस्तानी मूवीज ज़्यादा पसंद है? अभी तो एक ही देखी मैंने, वैसे सारी पसंद है। अभी तो क्या समझते हो कि जो यहाँ पे पाकिस्तानी मूवीज के जो गाने हैं वो हमारे उस मयार के अभी उस तरह नहीं समझे जा रहे जिस तरह 60s-70s में होते थे, उसकी वजह क्या है? कॉपी एक जो होती है वो कॉपी बन के रह जाती है हमेशा, आपको शायद पता है वो, लेकिन अच्छा काम हो रहा है, लेकिन अभी लोग समझ रहे कि देखेंगे लोग आहिस्ता आहिस्ता उस लेवल पे आएंगे ना, तो अच्छा काम हो रहा है, मैं तो बहुत अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने चेंज किया अपने आप को, अपना म्यूज़िक चेंज किया, और लेकिन इतना भी ना चेंज करें कि दुनिया सुने। और फरी को कितनी मूवीज पसंद है? मूवीज मैं बताती हूँ अभी, लेकिन उससे पहले मैं एक थोड़ा सा एक रैपिड फायर हमारे पास एक गेम है, उसमें हम ये करेंगे कि आपसे मैं एक क्वेश्चन करूंगी, आपने बगैर सोचे समझे विद इन सेकंड्स आपने उसके जवाब देने हैं, ठीक है? ओके, शुरू करें। ओके जी, सबसे पहले अरिश्मा, मेकअप में कौन सी एक चीज है जो चेहरे पर आप लगा लें और आप समझती हैं कि आप बाकी कुछ भी ना लगाएं तो आप बिल्कुल तैयार हैं? काजल। काजल, यानी कि काजल बिल्कुल लगा रहे। ओके, शीशा देखे बगैर क्या चीज मेकअप की है जो आप अपने चेहरे पर बहुत अच्छी अप्लाई कर सकते हैं? लिपस्टिक। ढोल की जगह चिमटा हाथ में दें तो दिली जज्बात क्या होंगे? उस पर मैं भंगड़ा ही बजाऊंगी। अच्छा, अपनी 3 बुरी आदतें? बहुत बदतमीज हूँ। वाओ, ये सबके सामने कहा जा रहा है कि अरिश्मा कह रही है कि मैं बहुत बदतमीज हूँ। ओके, गलत बात पे बहुत जल्दी मैं चिढ़ जाती हूँ। अच्छा, ये बुरी आदत है? गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, गलत बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, ये 3 चीजें हैं। ठीक है, अपनी 3 तारीफें भी कर दो अब। मैं मोटी सी हूँ, मैं पप्पू सी हूँ, मैं सबकी लाडली हूँ, मैं सबकी लाडली हूँ, और मैं इसी वजह से, ये मेरी बहुत अच्छी बात है। अच्छा मेरी बात सुनो, ये तो तुम सबकी लाडली हो, ये तुम्हारी क्वालिटी थोड़ी है,
ये तो उन लोगों की क्वालिटी है जिन्होंने तुम्हें लाडला बनाया। मेरी क्वालिटी है कि मैं सबके दिल में घर करती हूँ, ये मेरी क्वालिटी। हाँ, ये बात करो ना कि तुम सबके दिल में घर करती हो। दूसरी बात, दूसरी बात कौन सी? दूसरी बात, दूसरी तारीफ। अच्छा कितनी हो गई है? दो ही है। अच्छा पोपो हूँ ना। अच्छा पोपो हो? हाँ पोपो। ये क्या होता है? पोपा क्यों? मेरिया भी पूछ रही है। जो मोटा बच्चा होता है ना, मामा मुझे मोटा मुन्ना बुलाती हैं। गुबला गुबला पोपो। अरिश्मा वो तो छोटे बच्चों को कहते हैं। मामा मुझे अभी भी कहती है, और मामा के लिए मैं भी छोटी हूँ। वालदैन के लिए तो हम सब छोटे छोटे। अब क्या कहती हैं? मोटा मुन्ना, अभी भी मोटा मुन्ना ही कहती है। अच्छा, चलो मोटा मुन्ना मुझे ये बता दे कि कौन सी तीन ऐसी बातें हैं जो आपकी अम्मी आपको कह कह के थक जाएं और आपने किसी सूरत माननी नहीं है। मालूम है अलग वालों। ओके। मैं वॉक पे जा रही हूँ, आज हम 5 किलोमीटर करेंगे, मगर तीन मामा 2 किलोमीटर बस, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा अच्छा, उसके अलावा दूध पी लो, देसी घी खा लो। मैंने कहा वो कहती होंगी इतना भारी ढोल उठा दिए, कोई देसी खुराक खाई नहीं जाना है। बताओ जरा देसी घी खाने के कितने फायदे हैं? बताओ, बहुत फायदे हैं। ऑर्गेनिक फूड, और मैं कहती हूँ दूध तो बना ही लड़कियों के लिए है। स्मेल आती है अपनी खुराक में जरूर। मैं मटन नहीं खाती, मैं बीफ नहीं खाती। बीफ में रिच इन आयरन होता है। ठीक है ठीक है, आगे हम चलते हैं। मुसीबत के वक्त सिर्फ 3 लोग आपकी मदद कर सकते हैं, जिनमें एक है आसिफ अली जरदारी, शेख रशीद और तीसरे है इमरान खान। आप किसकी मदद लेना पसंद करेंगे? किसी की भी नहीं, इन तीनों में से तो किसी की भी नहीं। लेकिन लाजमी लेनी पड़ेगी एक की, तो वो कौन होंगे? जरदारी। ठीक है। हाँ जी मून, अब आपकी बारी। मोबाइल में से 3 कौन से ऐसे एप्स निकाल दें जिसके बगैर मतलब फिर मोबाइल यूज करने का कोई फायदा नहीं? व्हाट्सएप, फेसबुक। व्हाट्सएप, फेसबुक। एंड नंबर 3 और तीसरा मैं ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता। तीसरा कौन सा निकालूँ मैं? प्ले स्टोर निकाल दो, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ईमो। ईमो। हाँ ओके। मेरे लिए वालदैन की डांट पड़ने की 3 अहम वजूहात। बाहर ना निकला करो। ठीक है। और मैं कीबोर्ड पे बहुत बैठा रहता हूँ, पियानो तो कहते ज़्यादा पियानो ना प्ले करो, गाया करो ज़्यादा तो ये, और थोड़ा झगड़ा भी हो जाता है। हाँ जी, यहाँ पे बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसका जवाब देना नहीं चाह रहे अमून, बहुत सी ऐसी हरकतें हैं जो नहीं करना चाह रहे हैं अमून, लेकिन ब्रेक से वापस आने के बाद हम आपको बताएंगे कि अमून और क्या क्या करना चाह रहे हैं। देखते रहिए जिंदगी के रंग।